हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड। 1993 में इस कंपनी को बनाया गया था और यह जो कंपनी है यह 3 सेगमेंट में काम करती है। पहले में ये IT जो सर्विस होती हैं उनको ये प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर मेकिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवाना हो गया, कॉरपोरेट बिजनेस में जो BPO होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवाना हो गया, इस तरह की जो ये सर्विस है ये प्रोवाइड करती है। दूसरे सेगमेंट में ये एजुकेशन और ई लर्निंग जो डिवीज़न होता है उस सेगमेंट में भी ये काम करती है। इस सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है कि ये किसी भी कंपनी को बताते हैं कि आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, उसके पोर्टल्स क्या होने चाहिए, उसका जो असेसमेंट है वो क्या होना चाहिए। इसका जो तीसरा सेगमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है। इसमें ये सिस्टम एंड नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है, WAN हो गया, IP बेस्ड वॉइस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इन सभी को ये प्रोवाइड करवाती है इस सेगमेंट में। इस सेगमेंट में जो कंपनियां जो प्रॉपर्टी को लीज भी लेती है तो ये सर्विस भी ये प्रोवाइड करवाती है। अगर आप इसका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखोगे तो 2022 में कंपनी ने IT सर्विसेज से 36% का जो रेवेन्यू जनरेट किया है और एजुकेशन और ई लर्निंग सेगमेंट से 33% का रेवेन्यू जनरेट किया है और इंफ्रा मैनेजमेंट सेगमेंट से 31% का रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर आप इसका कस्टमर बेस देखोगे तो इंडिया की इसमें 250 कंपनियां इंक्लूड है और अगर ग्लोबल कस्टमर की बात करें तो इसमें मैकेंजी, IBM, डोमिनोज और क्रेडिट सुशी जैसी कंपनियां इंक्लूड हैं। और अगर आप इसके ऑफिसेज की बात करें तो इंडिया में 6 सिटीज़ में इसके 9 ऑफिसेज हैं और अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो दुबई में, जर्मनी में और चाइना में भी इसके ऑफिस हैं। और अगर आप इसके एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इसके 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के अनुसार इसके 265 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अलग अलग लोकेशन से कंपनी के लिए परमानेंट काम करते हैं। और अगर इसकी सब्सिडियरी कंपनियां देखोगे तो इंडिया के अलावा इसकी जो कंपनियां हैं ये जर्मनी में, UAE में और चाइना में भी हैं, जहां पर ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मार्केटिंग और सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। और अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है वो इसकी जो पार्टनरशिप हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से, HP से, ओरकल से और जो IBM जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ इसकी पार्टनरशिप है। अगर ओवरऑल इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी ने इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप किया हुआ है। इसकी जो मार्केट कैप 539 करोड़ की है। इस स्टॉक ने पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छी रैली दिखाई थी जिसके कारण इसका जो बानवे का जो हाई है 9.05 रुपया है और इसका जो बानवे का लो है 2.30 रुपया है। जो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ने लग रही है। जून में जो कंपनी की जो सेल्स थी 8.29 करोड़ की थी और सितंबर में 9.13 करोड़ की थी। आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो 53 लाख का, 4 लाख का। पहले जहाँ इस कंपनी का प्रॉफिट नेगेटिव भी चला जाता था लेकिन अब जो कंपनी है लगातार पॉजिटिव नेट प्रॉफिट जनरेट करने लग रही है। कंपनी पे कर्जे की बात करें तो ये देखिए, जहाँ पे पहले कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा होता था 24 करोड़ का, 21 करोड़ का, अब लगातार जो कर्जा इसका कम होने लग रहा है और इसका जो अभी जो कर्जा है 20.31 करोड़ का है। और अगर इसकी रिजर्व पूंजी की बात करें तो 177 करोड़ की लगभग इसकी रिजर्व पूंजी भी है। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो ये देखिए, काफ़ी लंबे समय से जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 19.65 बनी हुई है और FII की भी इसमें होल्डिंग है जो कि 0.03% की इसमें होल्डिंग है। और जो गवर्नमेंट है वो भी अपनी इसमें होल्डिंग को बनाती रहती है और इसकी जो गवर्नमेंट की अभी जो करंट में जो होल्डिंग है वो 0.03% की है। अगर आप इसमें वॉल्यूम की बात करोगे तो ये देखिए, कल इसमें 1 करोड़ की जो क्वांटिटी है वो ट्रेड हुई और इसमें से 82 लाख की जो क्वांटिटी है वो डिलीवर क्वांटिटी है। तो ऐसे ही 1 वीक का एवरेज आप देखोगे तो 1 वीक में भी 1 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और 57 लाख की जो क्वांटिटी है इसमें वो डिलीवर क्वांटिटी है। तो जो कहीं ना कहीं जो डिलीवर क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उठाई जाने लग रही है। 1 वीक की इसके जो रिटर्न है 12.28% के हैं और 1 महीने के रिटर्न 20.75% के हैं। तो 3 ईयर के रिटर्न की बात करोगे तो 1180% के स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसको बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। देखिए, ये जो स्टॉक है अभी 3.15 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है और जो ये स्टॉक है ये एक रेंज में फंसा हुआ है और जो वो रेंज है वो 2.80 रुपये की और जो 3.40 रुपये के रेंज में ये फंसा हुआ है। तो ये एक नो बाइंग जोन है। जो इसमें अपनी क्वांटिटी को होल्ड किए हुए हैं वो अपनी होल्डिंग को इसमें बनाए रख सकते हैं और जो अगर आप फ्रेश बाइंग इसमें करना चाहते हैं तो अभी फ्रेश बाइंग के लिए इसमें बचे। जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ देता नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ तो इसमें फ्रेश बाइंग करना ठीक नहीं है। तो तब तक आप इसमें फ्रेश बाइंग से बचें।
नो डाउट कि कंपनी एक फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ही कम है, जो कंपनी की जो पार्टनरशिप है वो अच्छी अच्छी कंपनियों से है और कंपनी इंडिया और इंडिया से बाहर भी रेवेन्यू जनरेट करने लग रही है और इसकी जो रिजर्व पूंजी है कंपनी की वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा पेनी स्टॉक है जो आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के देगा, लेकिन उसके लिए आपको इसमें लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो गाइज, ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में और दिख जाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।